बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे चंदमखनों, चांद तो आपने देखा होगा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी पूरी रात का चांद, जिसे चौदहवीं का चांद कहते हैं। तो आइए बच्चों, चांद के बारे में हम आपको बहुत सी मालूमात देते हैं। बच्चों, चांद जमीन से 4 लाख किलोमीटर दूर है। ये जमीन के गिर्द घूमता है, दरमियान वाली जमीन है, और उसके इर्द गिर्द चांद चक्कर लगा रहा है। इस तरह जमीन के गिर्द चांद घूमता है। बच्चों, ये 28 दिनों में जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। याद रहेगी ना ये बात मेरे अजीज जो आपको, चांद की सतह पर हमवार मैदान है और बुलंदो बाला पहाड़ भी। बच्चों, इसकी सतह पर गहरे गढ़े भी हैं। ये चांद की असल तस्वीर है और इसकी सतह पर आपको गढ़े भी नजर आ रहे हैं। चांद पर हवा और पानी नहीं है। भाई, ये तो बड़ा बुरा हुआ, फिर रहेंगे कैसे अगर सैर करने चले गए तो? इसलिए चांद पर कोई जिंदा चीज नहीं रह सकती, ना इंसान, ना जानवर और ना ही पौधे, इसलिए कि वहां तो हवा और पानी ही नहीं है। चांद की रोशनी अपनी नहीं होती, तो फिर हमें ये चमकता कैसे नजर आता है? बच्चों, इसकी रोशनी दरअसल सूरज से आती है। सूरज से रोशनी चांद पर पड़ती है, चांद से टकरा के हमारी आंखों तक आती है, इसलिए चांद हमें रोशन नजर आता है। इसकी अपनी रोशनी नहीं है बेचारे की, मांगी हुई रोशनी से गुजारा करता है। बच्चों, ये तो हम आपको बता चुके कि ये सूरज से रोशनी हासिल करता है, जहां से भी करता हो, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं तो उसका चांद जैसा बेटा हूं। बच्चों, हम इसे रात को ही सही तरीके से देख सकते हैं, दिन को भी होता है, लेकिन सूरज की रोशनी में जरा छुपा छुपा सा रहता है, बहुत गौर से देखें तो तब नजर आता है। बच्चों, चांद अपनी शक्ल बदलता रहता है। पहली रात का चांद इस तरह होता है, बारीक सा तलवार जैसा। जब ईद होती है सवैयों वाली, तो उस वक्त बच्चे बड़े शौक से अपने कमरों की छतों पर चढ़कर देखते हैं। तो ये है बच्चों पहली रात का चांद। चांद की मुख्तलिफ शक्लें देखिए। बाएं तरफ पहली रात का चांद, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, और दरमियान में पूरा चांद है, और उसके बाद फिर घटना शुरू होता है, और आहिस्ता आहिस्ता पहली रात के चांद की तरह बारीक हो जाता है। इस तरह बच्चों चांद अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है। ये है बच्चों चौदहवीं रात का चांद। बच्चों, पहली रात के चांद को हिलाल कहते हैं, क्रीसेंट अंग्रेजी में कहते हैं।